कुमरा सिवालो इतिहास बदलने वाला है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। कुंभरा सिवालो, मैंने 2021 में बड़ी भविष्यवाणी की थी, जून महीने में कोरोना वायरस पिक पर रहेगा और जैसे ही शनि वक्री होगी उसी समय से कोरोना वायरस का असर कम हो जाएगा और धन को लेकर, भूकंप को लेकर, यहां तक वायुयान की दुर्घटना को लेकर जो भी भविष्यवाणी की थी वह सच होती नजर आ रही है। कुंभ राशि वालों, अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए क्योंकि आपने बहुत जुल्म सह लिए, बद से बदतर हालात का सामना भी कर लिया, यहाँ तक न देखने वाले दिन भी देख लिए, लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। 2022 का वर्ष आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि वर्ष के प्रारंभ में आपके घर में चलायमान रहेंगे, तो वही उजपद एवं लाभ के दाता गुरु ग्रह स्वयं कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे, तो वही कार्य और नौकरी के दाता सूर्य भी शनि की राशि में चलायमान रहेंगे, तो मंगल चंद्र बुध पूरे वर्ष पर्यंत स्थान परिवर्तन करते रहेंगे। इस गोचर के आधार पर हम जरूर कह सकते हैं आने वाला साल आपके लिए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है जिससे आपका पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। तो चलो जानते हैं कुंभ राशि फल 2022। कुंभ राशि फल 2022 के अनुसार यह नए वर्ष में आपकी किस्मत तूफान से भी ज्यादा तेज दौड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 2022 का साल आप कभी भी नहीं भूल पाओगे क्योंकि पिछले काफी समय से जो आपके कार्य किसी दस्तावेजी कार्यवाही के तहत, लॉकडाउन के तहत, लोन के आवेदन पास ना होने के तहत या फिर मार्केट में बहुत कंपटीशन एवं मंदी के माहौल के तहत आपको जो कार्य रुके हुए थे वह इस समय में जरूर पूरे होकर रहेंगे। जी हाँ कुंभ राशि वालों, आपके राशि स्वामी शनिदेव है और वह 2022 वार्षिक राशि फल के अनुसार इनकी कृपा दृष्टि आप पर विशेष रहने वाली है और इसकी शुभ शुरुआत वर्ष के आरंभ से यानी कि 6 जनवरी से ही होने शुरू हो जाएगी। दोस्तों कुंडली में यह बदलाव आपकी जिंदगी में हर पहलुओं को बदल कर रख देगा जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, चाहे वह आपके जीवन में करियर, बिजनेस, प्रेम जीवन, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन को लेकर ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, जो जातक विवाह सम्मत नहीं होने के चलते चिंतित है, उत्कृष्ट है, तो उन्हें 2022 के फरवरी से लेकर नवंबर के बीच एक अच्छा और काबिल जीवन साथी प्राप्त होने के जबरदस्त आसार नजर आ रहे हैं। तो महामारी एवं लॉकडाउन के चलते जो जातक कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे थे, तो इस समय में वायरस और संक्रमण का खतरा कम होने से आपको परिवार के साथ लंबी एवं आनंददायक यात्रा पर जाने का मौका मिल कर रहेगा। तो नौकरी पेशा जातक जो किसी प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और इच्छित तबादला चाहते हैं, तो इस समय आपकी कुंडली में इच्छित स्थानांतरण के चलते इंक्रीमेंट के जबरदस्त योग बन रहे हैं। तो 2022 के दिसंबर खत्म होने से पहले उन जातकों की ट्रांसफर होने की मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो दूसरी ओर जो जातक आईटी, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, कोचिंग, टीचिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियर, रसायन शास्त्र, विज्ञान, स्पेस, एरोनॉटिक्स और खासतौर पर जो टूरिज्म, खानपान, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल एजेंसी, ऑनलाइन एजुकेशन, इलेक्ट्रिक, कमर्शियल व्हीकल, सोलर एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाला समय इन सभी क्षेत्रों के लिए जबरदस्त रहने वाला है और इनको दोगुना चौगुना लाभ भी मिलने वाला है। तो दूसरी ओर जो जातक व्यापार एवं बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए है और आपको पिछले काफी समय से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो मान कर चलिए आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा और यही वह समय होगा जिसमें आपको आपकी मेहनत, काबिलियत, सुदबुद्ध से लाभ धन के रूप में मिलेगा, आपके हुनर में निखार आएगा और समाज में आपको सही काबिलियत के अनुसार उचित सम्मान भी मिलेगा जिससे समाज में आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति एवं साख में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो पिछले काफी समय से आप अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेजोड़ मेहनत कर रहे है, तिनका तिनका करके पैसा जोड़ रहे है और एक अच्छा घर खरीदना चाहते है जिसमे आप सुकून भरी सांस ले सके, तो 2022 का साल आपकी यह खोज पूरी करेगा और अक्टूबर तक
आपको आपके मन मुताबिक अच्छा घर भी मिलेगा। तो जो जातक अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उच्च पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें देश की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। या फिर जो जातक विदेश जाकर पढ़ने के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आपके आवेदन मंजूर नहीं हो रहे है, तो मानकर चलिए 2022 के वर्ष में आपको निश्चित तौर पर वीजा से संबंधित भारतीय एवं फॉरेन कंट्री के एम्बेंज से संबंधित आपके आवेदन भी मंजूर होगी और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हुए आप विदेश से अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले पाएंगे। खासतौर पर जो जातक बैंकिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस, आईटी, इंजीनियरिंग, डायरेक्टर, मैकेनिकल डेवलपमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें स्पर्धात्मक परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम या फिर आईएलटीसी जैसी परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो आपकी कुंडली में बन रहे इतने सारे अच्छे योगों का लाभ अवश्य उठाए और अपने सपनों को पंख लगाए और उसके लिए अविरत अथक परिश्रम का साथ न छोड़े। तो साथ ही ऐसे जातकों को वहां स्थित होकर अच्छा अभ्यास और अच्छे कार्य भी प्राप्त होगी। खासकर जो रोजी रोजगार की तलाश में है, उन्हें कार्य मिलने से अच्छे धन की प्राप्ति होगी। पैसों को आप धीरे धीरे जोड़ते हुए स्टार्टअप की ओर भी आगे बढ़ेंगे। योग तो यहाँ तक बन रहे कि इस समय में सफलता आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। आप जिस किसी भी क्षेत्र में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वहाँ अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, जब भी कुंडली में कोई पाप ग्रहों की युति बनती है, तो वह जातक की मेहनत को सफल नहीं होने देती, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। जय गुरुदत्त।